कि सत भक्ति करने वाले प्राणी का प्रत्येक कष्ट, चाहे शारीरिक कष्ट है, चाहे कोई किसी प्रकार की आपके रोग है और या कोई अन्य आपत्ति आपके ऊपर आने वाली है या आई हुई है, उसको परमात्मा कबीर जी ठीक कर देते हैं। कहता दास गरीब तबीब तन चंगा करत कबीर वे। तबीब माने वैद्य, परमात्मा सब वैद्यों का वैद्य है, सब डॉक्टरों का डॉक्टर है और सब भगवानों का भगवान कबीर जी है। इसमें लिखा है कि कहता गरीब तबीब तन, गरीबदास जी कह रहे हैं कि तेरे शरीर की कोई बीमारी हो उसको भी चंगा करत कबीर वे। चंगा माने अच्छा कर देगा, तुझे स्वस्थ कर देगा वो तबीब। कबीर परमात्मा तबीब यानी वैद्य भी है। परमात्मा के अंदर सब गुण हैं, परमात्मा के द्वारा ही इन औषधियों में, जड़ी बूटियों में गुण दिए गए हैं, ये प्रभु के द्वारा ही दिए गए हैं। ऐसे ही जो साल्ट बनाए हैं वैज्ञानिकों ने, ये भी परमात्मा का दिया हुआ ही गुण उन साल्ट में है, जिससे वो अन्य प्रकार के रोगों को नष्ट करते हैं। और जो डॉक्टरों से भी नहीं कटता, साल्ट से भी ना कटता है, उसको कबीर परमात्मा काट देते हैं। एक छोटी सी कथा सुनाते हैं जो अभी किसी एक बहन ने लिख कर दी है, इसी प्रसंग पर ये आवश्यक होगी बताना। एक बहन है शीला देवी, गांव बसई, गुड़गांव के पास बसई गांव है। उस बहन ने लिखा है कि मेरे पेट में रसौली थी, दोनों गुर्दों के अंदर मोटी मोटी रसौली थी और 11/4 को पिछले वर्ष की 11 अप्रैल को उसने अल्ट्रासाउंड कराई। उसमें वो रसौली दोनों मोटी मोटी, अच्छी मोटी मोटी रसौली अल्ट्रासाउंड में नजर आ रही थी। उसकी अल्ट्रासाउंड दिखाऊंगा। फिर उसके बाद मई में उसने फिर चेक कराया, वो रसौली फिर अल्ट्रासाउंड में नहीं आई, खत्म होगी ना वो दर्द रहा जो पेट में पीड़ा थी। अब देखिएगा, इस बहन ने लिखा है कि मैं बसई गुड़गांव के शीला देवी, मैं अपने पेट की बीमारी से बहुत परेशान थी, मेरे पेट में 2 रसौली थी, हर तीसरे दिन 500 रुपये की दवाइयां आती थी। जब मैं अपने पेट को चेक कराया तो मेरे पेट में 2 रसौलियाँ पाई, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया जिसमें 20,000 रुपये लगने थे। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद फिर दोबारा चेक कराई तो उसके बाद ना कोई दवाई ली, मेरे पेट की रसौली बिल्कुल ठीक हो गई। मैं सभी भक्तात्माओं से प्रार्थना करती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज को कोई इंसान ना समझना, ये पूर्ण परमात्मा बैठे हैं। शीला देवी आपकी शिष्या, 25/4/2009 को आज इसने लिख कर दिया। ये अल्ट्रासाउंड देखें इसकी, ये देखिएगा नेशनल डायग्नोस्टिक्स अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, यहाँ से इसने लिया है। इसका नाम लिखा है, पेशेंट नेम शीला, उम्र 33, फीमेल। इसने फिर दोबारा 2/5 को फिर अल्ट्रासाउंड कराई,
पहले कराई थी 11:4 को, ये देखो, ये इसमें बताया कि ये दो रसौली नारी दिखे, ये निशान से थे, इसमें भी ये निशान थे, ये अलग से निशान नारे दिखाई दे रहे थे। फिर ये बता रही है कि इसमें जब दिखाया तो ये बिल्कुल साफ हो गई और कोई रसौली नहीं रही। बोलो सतगुरुदेव की जय। इसमें दोनों अल्ट्रासाउंड हैं, 11:4 की भी हैं ये और 2:5 की भी है, 2008 की। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है, और जब हम भगवान की आड़ में बैठ जाते हैं तो हमारे साथ अनहोनी होने लग जाती है। एक और कथा सुनाता हूँ। एक भक्त है हमारा, अपना सेवक है, डॉक्टर भक्त कृष्ण करसोड़ा थे, वो यहाँ मेन गेट के ऊपर फर्स्ट एड की जो काम भी करता है, तो फर्स्ट एड में वो अपना एक बीपी मापने का एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लेने चला गया हिसार। अभी महीने पहले की बात है, तो इलेक्ट्रॉनिक वो बीपी नापने का यंत्र लिया, तो वहाँ 2-3 भगत थे साथ में इसके, उनके भी बीपी चेक करे भाई ठीक बताओ है कि नहीं, उस पारे वाले से भी और इस इलेक्ट्रॉनिक वाले से भी, कि दोनों ठीक बता रहे हैं। ये लेने से पहले ये ट्राई कर रहे थे, तो उस डॉक्टर यानी जो कृष्ण भगत है करसोले थे, उसका बीपी दोनों ने, उस पारे वाले ने भी और इलेक्ट्रॉनिक वाले ने भी बताया 270 आई ब्लड प्रेशर 270। अब वो यंत्र बेचने वाला भी उसके मुंह का ना देखा, 2-3 बार देखा 270। तो उसने तो कोई जिक्र किया नहीं, नू कह दिया भी कोई बात ना, ये स्वस्थ आदमी का हो जाता है। जब उनकी बुद्धि फेल हो जाती है ना, वो फिर कोई ना करने लग जाते हैं। फिर वो यहाँ ले आया आश्रम में, मेरे को दिखाने लगा, तो मैं अभी चेक करके देखा बीपी, और मेरा भी चेक कराया, वो ठीक आया। फिर उसका चेक कराया, मैं वहीं बैठा था, उसका आया 245 ऊपर का। मैंने कहा तेरा 245, नो बोला वहाँ तो 270 था, ये और घट गया थोड़ा। मैं कह रहा तेरा कोई तकलीफ नहीं, बोला ना कोई तकलीफ नहीं, हद कर दी वहाँ, तकलीफ नहीं, तू मरेगा। तो मैंने कहने से यहाँ फिर चेक कराया उसने, मैं चेक कर ले ऐसा सौदा हुआ करा, इसका पता नहीं लगता कि ना जाने कब अदरक मार जाए इसमें, हार्ट अटैक हो जाए। चेक करा 270, कहने लगे इसमें आगे नापण का कोई ना मनवाना, ज़्यादा भी हो इसका इस जो बीपी मापण का यंत्र में 270 ही नाप सका है, यो आगे सही कोई ना ऊपर भी चला जाता, यानी इतना बीपी ब्लड प्रेशर। बोला मैं कोई तकलीफ तो है नहीं वैसे आपको, तो मैं चेक करा लेता हूँ। फिर यहाँ चेक कराया, यहाँ 2-3 डॉक्टरों से, एक ने बताया 234, एक ने बताया 230, एक ने 240। तो वो कहने लगे भाई तू अपना इको करा ले, वो स्वस्थ। फिर मेरे पास आया, बोला जी वही इको की सलाह दे, हम अभी इको करा ले, के बेरा के बिजली गिर जाए इसका चे सिर सांग में, तो इशार गया इको कराने। वहाँ डॉक्टर ने इको की, उसमें कोई बीमारी नहीं, और बीपी नापा 245। वो डॉक्टर कहे तेरा कोई तकलीफ नहीं, बोला ना जी कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल भी हकना, कोई शर्म में कोई भारीपन या कोई बेचैनी नहीं, बोला मतलब है कोई ना, मिला भाई फिर इको क्यों कराओ था, मिला मेरे 3 सलाह दे दी हमारे गुरु जी ने, ना मैं किसी इको कराऊँ था। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्मा, और डॉक्टर लोग ये कहने लगे, इतने कहने लगे तू कोई परेशानी नहीं, चक्कर नहीं आते तुझे, ये भगत बोला ना कोई चक्कर नहीं आते, इतने ब्लड प्रेशर में तो ब्रेन हेमरेज हो जा, हार्ट अटैक, यानी कुछ भी डैमेज हो सकता है शरीर में, और तेरे कोई तकलीफ नहीं, मेरे कोई तकलीफ ही नहीं, वो कह रहा है।
अब आइए रे डॉक्टर किसने लाइयो बुला के वो भगत ने। तो उसके बाद हमने उसको सलाह दी भाई तू गोली तो ले ले कोई बात ना बीपी की। उन्हें दो चार दिन गोली भी खाई, वो टेबलेट खा ली तो भी नौकान्यो। अब वो खूब तक रोटी खावे, इतने लड्डू जलेबी दर्दा माश ने खा के देखा सारे खा जावे और कोई तकलीफ नहीं, कोई नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो पुण्यात्मा ये भक्ति का प्रभाव होता है। देखो इसके कर्म में था तो बिरानवाटी होनी ना 270 240 बीपी, दो दो बे बोला डॉक्टर ने, बोले दो दो बे बोला आदमी यानी पागल हो जा मेंटल हो जा, और यो कति स्वस्थ और सारा काम करे अपना अंडा फ्री का जो इसके लेवल का है। आ जाए एक बार ऊपर दिखाऊँ तुने, इनको दिखा दें भक्तों को, इस जो ऊपरला होना चाहिए ना भगत का, एक नॉर्मल आदमी हो तो इसका निचला है, ये देखो बीपी। रविंदर हॉस्पिटल अस्पताल इसार कैथ लैब एंड हार्ट सेंटर हृदय रोगों का सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, ये किरसन किरसन भगत है और उम्र 52 वर्ष मेल। अब देखो ये इको की रिपोर्ट है या है ना इको की याली या रविंदर हॉस्पिटल से इको कराई, ये देखो कोई डॉक्टर भी देख रहा होगा वो भी देख लेगा की है इसमें, ये कति नॉर्मल दे रखा टोटली सारा कति इको में कोई डिफेक्ट नहीं पाया इसके। और देखो यहाँ बरवाला में गॉड हॉस्पिटल है, इसमें चेक कराया ये कृष्ण सिंह, आयु 52 वर्ष, ये 15/3/2009 को 19 मार्च को, ये देखो बीपी 230 ऊपर का नीचे का 120, फिर शाम ने फेर करा 200/120 नीचे का 5, सुबह 10:40 पे शाम ने 5:30 पे। अच्छा ये देखिए फिर ये अंतराम हॉस्पिटल बरवाला में, डॉक्टर अंतराम जनता हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड बरवाला में कृष्ण सिंह, और इसका देखियो बीपी 230 उबले के 140। अच्छा और देखो ये है बंसल हॉस्पिटल अस्पताल लक्ष्मी बिहार आसी रोड बरवाला, इसने चेक किया 14/3 को, ये पहले 14/3 को मार्च को, ये इसका 230/140, तब इसने सलाह दी कि आप इको कराओ, ये ईसीजी इन्होंने इको की सलाह दी, ये डॉक्टर का नाम भी लिखा। तो इसने जाकर के फिर इको कराई 19/3 को, ये सारी अल्ट्रासाउंड वगैरह करा रखी, योग के रिपोर्ट इसी को नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये देखो ये सारी अल्ट्रासाउंड करा रखी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं पाई। कहने का भाव दास का ये है कि परमात्मा अनहोनी करता है अपने बच्चों के लिए। ये है रविंदर हॉस्पिटल ये इको, इसको इको बोले हैं डायग्राम रेफीग्राफी, इसमें सारे जो है ना नॉर्मल आ रहा है, नॉर्मल आए हैं जितने भी रिपोर्ट हैं सब, ये देखो टोटल नॉर्मल, ये सारे निल 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 नॉर्मल नॉर्मल। इसको क्या कहा जाएगा अब ये देखिएगा, दिखाइए भाई डॉक्टर जी भगत को,
कृष्ण जी को। इसको कृष्णा है, ये कृष्णा कहेंगे कबीर भगवान का, जो परमात्मा की आड़ में बैठे हैं उनके ऊपर ऐसे अनहोनी करता है भगवान काल। अब कर्म ने तो दबाव दे रखा है कि कुछ भी हानि कर सकता था, लेकिन मालिक नहीं करने देगा, परमात्मा नहीं करने देगा। ये है डॉक्टर भगत कृष्ण, गांव करसोड़ा थे। और आप नो बताओ, कोई तकलीफ आपका है? नहीं जी, मेरा कोई तकलीफ नहीं है। परमात्मा पूर्ण परमात्मा कबीर साहब प्रबंधित छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज जी की दया से आज मेरा कोई तकलीफ नहीं है। मेरा सर भी नहीं दुखता, ना पैर दुखते हैं, ना कोई तकलीफ है शरीर में। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और पूर्ण परमात्मा की दया से ही ये कार्य होते हैं। नकली संतों से नहीं होते, पूर्ण संत से ही होते हैं ये, जो आज परमात्मा की दया से मैं इनके चरणों में सेवा करता हूँ और रहता हूँ। सच साहे अब ना जस्ती होती, इसने अब खुआ के दिखाऊँ थोड़ा से इतनी जलेबी खा जा लाडू ही एक मिनट में, अरने घूमे जागा कति कोई का अच्छा हलवा खावे जो प्रसाद मिल रहा है, और किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं, कति नॉर्मल, इतना सील स्वभाव का आदमी है। तो परमात्मा इसीलिए याद किया जाता है कि आने वाली आपत्ति अपना काम करें, पाप अपना काम करेंगे, भगवान अपना काम करेगा। तो भक्ति में यह शक्ति होती है, दास गरीब तबीब तन चंगा करत कबीर वे। ये कबीर परमात्मा ने इस भगत का शरीर चंगा कर रखा है, और बीपी ईब चेक कर दिया थारे सामने, जब 200 तो ऊपर नहीं पावत है, अब 200 नो का नो है इसका, 200 से ऊपर पावेगा कल कुछ ना कुछ करके दिखाइए, तड़क शाम ने दिखावांगे चेक कर लिए, 200 से ऊपर है, 220 215 230 40 तो ही हो जाए हरकत, नो प्रॉब्लम है टाल। तो पुण्यात्माओं